शिवपुरी के देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सुभाष पार्क में आज सुबह एक युवक की लाश मिली है, जिसके चलते सनसनी फैल गई। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मृतक की पहचान महेश बाथम के रूप में हुई है, जिसकी जानकारी मृतक के परिजनों को दे दी गई है। जानकारी के अनुसार महेश बाथम देहात थाना क्षेत्र के तलैया मोहल्ले का निवासी है। वहीं कचरा बिनने का काम करते हैं और शराब का शौकीन है। संभवतः महेश ने बीती रात्रि अत्यधिक शराब का सेवन किया होगा, जिसके बाद वह शराब के नशे में सुभाष पार्क में सो गया और उसकी सुबह मौत हो गई। देहात थाना पुलिस ने शव का पीएम कराया है, वहीं परिजनों को इसकी सूचना भी दी है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। क्या नाम है भैया आपका? नाम क्या है आपका? नाम बाथम। आपका भाई है? कैसे खत्म हुआ कुछ? क्या सारी बीते रोटी खाई नहीं ठंड लगी। अच्छा, घर पे घर शादी से बाहर है? शादी बगैर शादी। अच्छा, कहाँ पर रहते हो आप? अच्छा, घर पे जाता था कि नहीं? सर आज जो ये लाश मिली थी, क्या कुछ मामला है पूरे का? सुभाष पार्क में अंदर पहचान महेश बाथम के रूप में रहने वाले देखने का प्रति तो रहा है की व्यक्ति जो है शराब पीने का आदि था और घर से बाहर रहता था और कचरा पीते और इससे अपना जीवन यापन करते थे। उसकी शारीरिक स्थिति भी सही नहीं थी, शराब पीने का आदि होने से बाहर ठंड में सो गया था और बाहर एक साथ होता था तो रात को शराब वराब पी के वहाँ सोया था। उसके बाद उसकी सुबह इलाज के लिए तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शराब के नशे में ठंड की वजह से उसकी मृत्यु हुई है, लेकिन फिर भी पीएम वगैरह कराया गया और जांच में आ गया जो भी सब सामने आएगी उनका वही। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।